नमस्कार दोस्तों, बीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम सरकारी जॉब में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है कि विंडोज 7 में एक फोल्डर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो दोस्तों, विंडोज 7 में फोल्डर बनाने के लिए आपको देखना होगा क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल एक्सप्लोरर आइकन को ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फाइल एक्सप्लोरर आइकन हम ओपन कर लेते हैं। ये लीजिएगा, फाइल एक्सप्लोरर आइकन आपके सामने ओपन है। इसमें हमने क्या किया दोस्तों, इसमें जिस भी ड्राइव का हमें चेंज करना है उस ड्राइव का हम चेंज कर लेते हैं। लीजिएगा, जैसे सी ड्राइव का हमने चेंज किया। इसके पश्चात हमें होम टैब में स्थित न्यू फोल्डर विकल्प का चयन करके और फोल्डर को उचित नाम दे करके एक हम फोल्डर बना सकते हैं। तो ये सही स्टेप हुए, ए सी बी ई डी सही स्टेप हुए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है विंडोज एक्सप्लोरर में किसमें चेंज आइकन व्यू शामिल होता है। दोस्तों क्या होता है, मेन्यू बार में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है प्रत्येक विंडो में कौन सा नहीं होता है। तो दोस्तों, जब हम कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो क्या क्या दाएं में कोने में क्या क्या होते हैं, क्लोज का होता है, क्रॉस का साइन बना होता है, मैक्सिमाइज का होता है, मिनिमाइज का होता है। तीन ही विकल्प होते हैं, या तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या क्लोज कर सकते हैं, ओपन का कोई विकल्प नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, विंडोज एक्सपी में रिसाइकिल बिन आइकन कहां होता है। विंडोज एक्सपी में रिसाइकिल बिन आइकन कहां होता है। तो दोस्तों, डेस्कटॉप पर होता है रिसाइकिल बिन आइकन, तो हमारा दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है विंडोज 10 में अपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी रिसाइकिल बिन आदि जैसे आइकन जोड़ने के लिए आपको कहां जाना चाहिए। तो दोस्तों, कहां जाना चाहिए आपको ये सभी आइकन जोड़ने के लिए, ये थीम्स में जाना चाहिए। थीम्स विकल्प के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। स्टार्ट हो गया, सेटिंग्स हो गया, पर्सनलाइजेशन हो गया, अब कहां होगा विकल्प, थीम्स होगा, थीम्स में हम जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है विंडोज में एक क्रमादेश प्रोग्राम या प्रलेख डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए उपयोग किया जाने वाला छोटा चित्र क्या होता है। दोस्तों क्या होता है छोटा चित्र, आइकन होता है। क्या होता है, आइकन होता है छोटा चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होता है। तो कहां होता है, एड्रेस बार में होता है, एड्रेस बार में होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड पीछे, तो ये एड्रेस बार में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विंडोज 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस पीसी आइकन में दायां क्लिक करते हैं तब कितने विकल्प पॉपअप मेन्यू में आते हैं। तो दोस्तों, जब हम विंडोज 10 में राइट क्लिक करते हैं तो कितने विकल्प होते हैं, 10 होते हैं। ये लीजिएगा, राइट क्लिक करने में 10 विकल्प हमारे मौजूद होते हैं। जैसे हमने राइट क्लिक किया तो कितने विकल्प होते हैं डेस्कटॉप पर, 10 विकल्प होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न है दोस्तों, जब विंडोज एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है। तो दोस्तों क्या प्रकट होता है, टास्क बार प्रकट होता है, टास्क बार प्रकट होता है, बी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है। यानी बूटिंग प्रक्रिया के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है दोस्तों, क्या होती है, डेस्कटॉप होती है। जब विंडोज बूट होने के बाद स्टार्ट होती है तो डेस्कटॉप ही खुलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है आपके विंडोज सिस्टम में एक स्थित रूप से संग्रहित डेटा को क्या कहा जाता है। तो स्टोर्ड डेटा जो स्टोर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। इन कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, फाइल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे रखा जाता है। तो नए डॉक्यूमेंट को दोस्तों कहां रखा जाता है, फाइल में रखोगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है पेज फॉल्ट कब आता है। तो दोस्तों पेज फॉल्ट कब आता है, कि जब पेज ना मिले, जब प्रोग्राम का ऐसा पेज हम पहुंच जाए जो मुख्य मेमोरी में ना हो। तो कंप्यूटर में डेटा पेज के रूप में भी स्टोर होता है तो नहीं मिलता है तो पेज फॉल्ट होता है। इसके लिए हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। यानी फाइल को आपको स्थायी रूप से हटानी है, क्योंकि आप डिलीट करेंगे नॉर्मली तो रिसाइकिल में चली जाती है, लेकिन आप चाहते हैं डायरेक्टली ही कंप्यूटर से निकल जाए तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न हमारा है
जब आप विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा, आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। जी हाँ, एक कंफर्मेशन बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, एक से अधिक खुली विंडोज को बीच नेविगेट करने के लिए कौन सी कीवर्ड का प्रयोग होता है? जब एक से ज्यादा विंडोज खुली होती है तो आप ओल्ड टैब का प्रयोग करते हैं ना, इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से हम ओल्ड टैब का प्रयोग करते हैं एक से अधिक हमारी जो विंडोज खुली होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, देखिएगा नेक्स्ट, तो हमारा क्या होगा, ओल्ड प्लस टैब, हमारा डी विकल्प सही होगा, ओल्ड प्लस टैब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो डेस्कटॉप पर एक आपको नया फोल्डर बनाना है, तो देखिएगा दोस्तों क्या है, आपने एक नया फोल्डर बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन, एक नया फोल्डर बन गया, कंट्रोल शिफ्ट एन के द्वारा एक नया फोल्डर बनाया जा सकता है। चलिएगा दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन के द्वारा हम एक नया फोल्डर बना सकते हैं, ए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विंडोज 7 में जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप मेनू पर सोर्ट बाय विकल्प का वो शामिल नहीं करता है, तो सोर्ट बाय विकल्प को शामिल नहीं करता है तो कौन शामिल नहीं करता है सोर्ट बाय विकल्प, ऑथर नेम, देखिएगा हम आपको दिखा देते हैं, राइट क्लिक किया हम, ये लीजिएगा राइट क्लिक किया सोर्ट बाय, तो सोर्ट बाय क्या आया, नेम आया, साइज आया, आइटम टाइप आया, डेट मॉडिफाइड आया, सभी चीज आया, नेम भी आया, साइज भी आया, आइटम टाइप भी आया, लेकिन क्या आया आपका, ऑथर नहीं आया, तो सही विकल्प क्या हुआ, ऑथर नेम हुआ आपका, सही विकल्प ऑथर नेम हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, इन विंडोज द राइट क्लिक इज यूज्ड टू, विंडोज में राइट क्लिक का प्रयोग किस लिए होता है? तो राइट क्लिक के द्वारा आप देख रहे हैं, राइट क्लिक किया तो पॉपअप मेन्यू आई, क्या क्या पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग होता है पॉपअप मेन्यू। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न, विंडोज 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए किस स्टेप का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए किस स्टेप का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, यानी कि बैकग्राउंड को चेंज करना है, हमें क्या करना है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो बी विकल्प होगा, डेस्कटॉप राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज विकल्प का चयन करें, चुने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, विंडोज 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर्स और फाइल को ब्राउज करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों क्या होगा, फाइल एक्सप्लोरर, हम क्या बोलते हैं इसको, फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है? तो आपको पता है, रिमूव्स होल्स, अनयूज्ड स्पेस को रिमूव करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, यदि स्क्रीन को अधिकतम मैक्सिमाइज किया जाता है तो मैक्सिमाइज बटन स्थायी रूप से बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी आप क्या करेंगे, अधिकतम आप स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो अधिकतम स्क्रीन को मैक्सिमाइज जो बटन है अस्थायी रूप से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो रिस्टोर के द्वारा, इस तरह रिस्टोर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टास्क बार पर डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के भाग पर स्थित होता है, तो टास्क बार पर डिफॉल्ट रूप से कहां स्थित होता है, बॉटम में स्थित होता है टास्क बार, डिफॉल्ट रूप से टास्क बार बॉटम में होता है डेस्कटॉप पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विंडोज 10 में तारीख समय बदलने का सही क्रम क्या है, यानी किस क्रम के द्वारा हम तारीख समय को बदल सकते हैं? तो दोस्तों सही विकल्प आपका क्या हुआ, सी सही विकल्प होगा, बी ए सी ई डी। पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर तारीख का चयन कर लेंगे, तो
उसके बाद दोस्तों सेटिंग में पॉपअप विंडो के बायो दिनांक और समय का टैब चुनेंगे। और दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, चेंज डेट और टाइम पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। ये सब स्टेप्स, छोटे छोटे कार्यों के लिए स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। डेट टाइम चेंज कैसे करते हैं, नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये स्टेप्स को कंटेस्ट कर लीजिएगा। ये बेसिक स्टेप्स हैं। या राइट क्लिक करने में कितने विकल्प मौजूद होते हैं, ये स्टेप्स को रट लीजिएगा। बेसिक कंप्यूटर के कार्य तो आपको याद करने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। डेस्कटॉप पर तारीख, डेट और टाइम होते हैं, यानी डेस्कटॉप पर डेट और टाइम कहां होते हैं, टास्क बार में होते हैं। दुनिया जानती है कहां होते हैं, टास्क बार में होते हैं। ये बेसिक प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, इस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आएगी। तो क्या होता है, टास्क बार होता है। जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं वर्तमान में, वो सब कहां डिस्प्ले होते हैं, नीचे बॉटम में डेस्कटॉप पर लाइन होती है जिसे हम कहते हैं टास्क बार, टास्क बार में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, कौन सा पावर विकल्प नहीं है। तो कौन सा पावर विकल्प नहीं है, सब है, लॉग आउट को छोड़ करके बाकी सब पावर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्योंकि शटडाउन में पावर खत्म हो जाएगी, स्लीप में भी कम हो जाएगी, हाइबरनेट में भी कम यूज होती है। लॉग आउट है केवल, पावर से संबंधित नहीं है, ये लॉग इन लॉग आउट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, आपके डेस्कटॉप का एक स्पेशल एरिया जो आपके सभी चलने वाले प्रोग्राम और विंडोज पर नजर रखता है, तो ये क्या होता है, टास्क बार होता है, क्योंकि जितने भी चलने वाले प्रोग्राम्स होते हैं वो टास्क बार में आपको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विंडोज 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो है, तो किन्हें सूचीबद्ध करता जो है, तो जो ओपन है उन्हें सूचीबद्ध करता है। टास्क बार ओपन हुए प्रोग्राम को देखिएगा, टास्क बार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं बार बार और घुमा फिरा के पूछे गए हैं, समझ लीजिएगा टास्क बार से प्रश्न बनने हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी है तो आप उस विंडो के पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं स्विच, टास्क बार में स्विच कर सकते हैं। एक से अधिक खोल रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं क्लिक कर करके टास्क बार में। जितने आपके सभी आइकन्स नीचे टास्क बार में दिखाई देंगे, देखिएगा आप देखिएगा ये सब खुले हुए हैं टास्क बार में दिख रहे हैं, क्लिक कर करके हम इनपे स्विच कर सकते हैं। देखिएगा सब पर क्लिक कर करके हम स्विच कर सकते हैं, ये लीजिएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है, किसी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर दिखते हैं, ये लीजिएगा। बार बार एक जैसे ही प्रश्न पूछे गए हैं तो ये बटन जो है कहां दिखते हैं आपके, टाइटल बार में दिखते हैं। सभी बटन आपके कहां दिखते हैं, टाइटल बार में दिखते हैं। देखिएगा जैसे कि ये आपके सामने है, ये हमने कोई एप्लीकेशन ओपन किया, देखिएगा ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, जैसे कि ये लीजिएगा, तो ये सब बटन दिख रहे हैं, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, क्लोज का, तो ये ऊपर क्या हुआ, टाइटल बार। टाइटल बार में सारे बटन दिखते हैं हमें, नीचे टास्क बार होता है, खुले हुए प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखाई देती है, ऊपर क्या होता है हमारा, टाइटल बार होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है, विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है, विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है, इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, यानी इतनी बड़ी तो हो जाए कि डेस्कटॉप में दिख जाए, आसानी से हम पढ़ सके इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइल के नाम का संबंध किससे है, तो फाइल के नाम का संबंध किससे, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उपयोगकर्ता को रिक्त स्थान सहित संपत्ति को तरह फाइल नाम टाइप करने की सुविधा देता है, तो कितने हो सकते हैं, 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, टेक्स्ट और अन्य डेटा को किसी टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है उसके बाद किसी दूसरी जगह पर, तो वो टेम्पररी एरिया क्या होती है, क्लिपबोर्ड होती है।
आप जानते हैं जैसे ही आप कहीं से आपने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, अब जब तक आप पेस्ट नहीं कर देते वो कहां रहता है डेटा, वो आपका डेटा रहता है कहां रहता है, क्लिपबोर्ड में रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, उस कमांड को कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क में सेव करती है, हार्ड ड्राइव या डिस्क में सेव करती है। तो क्या होती है वो कमांड, सेव की कमांड होती है, सेव करने की, सेव की कमांड होती है। नेक्स्ट, यदि आप कोई मेन्यू खोले और फिर यह तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेन्यू को बंद करने के लिए कुंजी दबाएं, कौन सी की दबाएंगे, एस्केप की दबाएंगे हम, क्या ना एस्केप की, ये ESC के द्वारा दर्शाई जाती है, ESC के द्वारा होती है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, जब आप कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है, यानी आपने नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया तो कहां जुड़ेगा, ओल्ड प्रोग्राम्स मेन्यू में जुड़ेगा, ओल्ड प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम फाइल कंप्रेशन का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, फाइल कंप्रेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड यूज करेंगे, तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं, फाइल वैल्यू न्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, .txt हो गया यानी टेक्स्ट फाइल है, .doc हो गया यानी डॉक्यूमेंट फाइल है, ये एक्सटेंशन होते हैं, .mp3 है म्यूजिक की फाइल है, .mp4 है वीडियो फाइल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बाइनरी फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, तो बाइनरी फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, .bin, डी विकल्प सही है, .bin बाइनरी फाइल का होता है। नेक्स्ट, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब को छिपाने, डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है, विंडोज +D का प्रयोग हाइड एंड डिस्प्ले के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपके एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और कंप्यूटर बताता है कि आगे क्या करना है, तो प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स बताता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा बटन करता है, तो दोस्तों विंडोज टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे के रूप दिखाई देता है, सत्य बात है, पहला सही है, ये सही है पहला। दूसरा, विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर दोनों ब्राउज करने के लिए किया, सही है भी सही है, देखिए दिखा देते हैं, कोई लिखेगा टास्क बार है नीचे है डेस्कटॉप पर, एकदम सही बात है, और इसमें टास्क बार में अब मॉडर्न टास्क बार में सर्च बॉक्स भी दे दिया, लीजिएगा सर्च कर लीजिए, तो दोनों चीजें आपको दिख गई, टास्क बार और नीचे आपको सर्च बॉक्स भी दिख गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का हाल ही में संस्करण था उसे जारी किया गया था, तो क्या विकल्प है हमारा, विंडोज 10 बाजार में था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, विंडोज 7 में कंट्रोल +Alt+Delete करवाने से क्या होता है, तो टास्क मैनेजर ओपन होता है, कार्य प्रबंधक टास्क मैनेजर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये शॉर्टकट की है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही, धन्यवाद दोस्तों।